कल हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट के बारे में कल हमने चर्चा की थी। तो आज के इस सत्र में हम राजमुकुट की जो शक्तियां रह गई थी कल उनके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से राजमुकुट को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंध और इन तीनों क्षेत्र में उसे बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियां उसे प्राप्त हैं। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में राजमुकुट का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल हमने ब्रिटेन के संविधान में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में कल हमने पढ़ा था। अब उसी टॉपिक में हम आगे चलते हैं। आगे क्रम में देखिए, आपका टॉपिक कल वाला ही है राजमुकुट की शक्तियां एवं कार्य। देखिए इसमें आपका अगला पॉइंट है वो है धार्मिक शक्ति। क्योंकि ब्रिटेन एक ईसाई धर्म वाला देश है और ब्रिटेन में राजकीय धर्म ईसाई धर्म है वहां पर, तो ब्रिटेन में राजकीय धर्म ईसाईयत है और क्रिश्चियनिटी के कारण ब्रिटेन में हमें भारत से कुछ अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। देखिए भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान के रूप में यहाँ पर सभी को समान समझा जाता है। वहां भी धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है जो हमने कल ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था। धार्मिक शक्तियों में देखिए चर्च के ऊपर राजा को वास्तविक शक्तियां प्राप्त। तो यहाँ पर धार्मिक शक्तियों में हम देखते हैं कि राजा चर्च का राजा चर्च का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राजा चर्च का सर्वोच्च अधिकारी है और चर्च में डीन, बिशप, आर्क बिशप इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राजा करता है। इस प्रकार से राजा चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी है और सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण वो चर्च की महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं उसी के द्वारा संपन्न होती हैं। तो देखिए इस प्रकार राजा जो है धार्मिक अदालतों का भी वहां पर प्रचलन है और धार्मिक अदालतों के खिलाफ होने वाली अपीलों पर भी प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में राजा के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार राजा की धार्मिक शक्तियों में राजा चर्च का सर्वोच्च अधिकारी है और वो क्या करता है? अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अगला है संरक्षण व सम्मान की शक्ति। संरक्षण और सम्मान की शक्तियां किस प्रकार से? राजा जो है वो अपने क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उन्हें राजा समय समय पर सम्मान अलंकारों से विभूषित करता है। तो राजा के पास में सम्मान की शक्तियां अर्थात राजा उन लोगों को टाइटल भी देता है, उपाधियां देता है और उन सम्मानों से राजा समय समय पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्थात अपने क्षेत्र में
जो सबसे अच्छा कार्य करता है उन लोगों को राजा सम्मान की उपाधियां देता है। इस प्रकार से अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करता है और राष्ट्र की सेवा करने वाले को राजा समय समय पर अनेक अलंकारों से सम्मानों से उसको क्या करता है, विभूषित करता है। इस प्रकार से देखिए राजा की जो शक्तियां, राजमुकुट की शक्तियां और कार्य जो उन्हें बढ़े, तो इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन में राजमुकुट को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, धार्मिक और अन्य संरक्षण संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार से राजमुकुट जो है वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से वहां पर उसे स्थान प्राप्त है और राजमुकुट की इन शक्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो राजमुकुट एक संस्था के रूप में स्थापित है और वह वास्तविक शक्तियों का उपयोग राजमुकुट के द्वारा ही होता है। इस प्रकार राजमुकुट की जो शक्तियां, कार्य और अधिकार हमने पढ़े, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट को वहां पर महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है और इन शक्तियों के कारण ही जो उसकी आज राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, इसी कारण से आज वर्तमान में राजमुकुट की जो शक्तियां हैं व्यापक हैं, विस्तृत हैं और बृहत हैं। तो देखिए इस प्रकार आपका राजमुकुट का टॉपिक जो है वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है राजपद, अर्थात किंगशिप। देखिए आपके प्रश्न आता है कई बार कि राजपद की उपयोगिता क्या है और इसकी शक्तियों और कार्यों का आप क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो राजपद से संबंधित प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजपद की क्या उपयोगिता है, इसके औचित्य एवं महत्व को आप विस्तार से इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए किंगशिप अर्थात राजपद, राजा का पद, उससे संबंधित आपके प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इसमें हम इस प्रश्न के उत्तर में इसे तीन रूप में कवर करते हैं। तो देखिए पहला इसका जो पॉइंट है वह है राजपद का उत्तराधिकारी नियम। पहला है राजपद का उत्तराधिकारी नियम, राजपद का उत्तराधिकारी नियम है पहला। और दूसरा है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें आता है राजपद की सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति। अगला आता है इसमें देखिए, अगला पॉइंट है राजपद की उपयोगिता तथा औचित्य। राजपद की उपयोगिता तथा औचित्य। देखिए राजपद से संबंधित आपका जो टॉपिक है वो तीन पॉइंट्स के रूप में इसमें कवर होता है। राजपद का उत्तराधिकारी नियम अर्थात दीवानी सूची में जो उसे अधिकार प्राप्त है, 1689 का अधिकार याचिका पत्र, उसमें राजा के जो अधिकार हैं किस प्रकार से वहां पर वर्णित है, ये है राजपद की सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति की राजा की सिद्धांत के रूप में कैसी थी और उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है। फिर राजपद की उपयोगिता तथा औचित्य, राजा के पद की
क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है, क्या महत्व है। देखिए राजपद के किंगशिप में हम राजा के पद से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो इस रूप में आपके कवर होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, राजपद का उत्तराधिकारी नियम। देखिए राजपद के उत्तराधिकारी नियम में हम ये देखते हैं कि राजपद के उत्तराधिकारी नियम में वहां पर 1689 का अधिकार याचिका पत्र ब्रिटेन के संविधान में 1689 का अधिकार याचिका पत्र है और वहां पर राजा का आनुवांशिकता का नियम लागू है, अर्थात जो राजा का जिस पुत्र होता है वही राजगद्दी को संभालता है। इसलिए राजपद के उत्तराधिकारी के नियम में 1689 का अधिकार याचिका पत्र और राजा का आनुवांशिक नियम, राजा का आनुवांशिक नियम अर्थात राजा की मृत्यु के बाद में जो राजा का जिस पुत्र है वो क्या करता है, राजगद्दी को संभालता है। तो ये राजा का आनुवंशिक नियम है। अगला है दीवानी सूची, इसमें देखिए दूसरा है दीवानी सूची। ब्रिटेन में दीवानी सूची जो है वह राज परिवार के निजी खर्चों से संबंधित है, अर्थात जो राज परिवारों के निजी खर्च हैं उन उस निजी खर्चों का वर्णन इसमें दिया जाता है। संसद जो है वार्षिक अनुदान देती है, संसद वार्षिक अनुदान देती है जिसमें राजा और राज परिवार से जो संबंधित खर्चे हैं उनका वर्णन इस दीवानी सूची में होता है कि राज परिवार से संबंधित जो पारिवारिक लोग हैं, राज परिवार से जो बिलोंग करते हैं उनको कितना खर्चा दिया जाएगा, इसका जो है संसद जो है वार्षिक अनुदान प्रस्तुत करती है और संसद समय के अनुसार इस राशि में उचित वृद्धि भी कर सकती है। जिस प्रकार से समय आगे परिवर्तित होता है तो समय के अनुसार इसमें वृद्धि भी की जा सकती है, इस पर संसद का नियंत्रण करता है। तो राजपद का उत्तराधिकारी का नियम हमने देखा, फिर देखिए अगला है राजपद की सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति। तो देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें है राजपद की सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति। तो देखिए इसमें हम देखते हैं राजपद की सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति, अर्थात राजा का पद जो है सिद्धांत रूप में किस प्रकार से उसे शक्तियां प्राप्त हैं और व्यवहार में उसे किस प्रकार की वास्तविक शक्तियां प्राप्त। तो देखिए पहला हम देखेंगे राजपद की सैद्धांतिक स्थिति। देखिए पहला है राजपद की
सैद्धांतिक स्थिति। राजपथ की सैद्धांतिक स्थिति में देखिए, इसमें राजपथ सिद्धांत रूप में वहां पर निरंकुश शक्तियों का परिचायक है और राजा का पद सर्वोच्च पद है और राजा के बारे में ये कहा जाता है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से सिद्धांत रूप में राजा को बहुत ही असीमित व निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में वहां पर आज वर्तमान में जो संसदीय लोकतंत्र है उसने राजा की शक्तियों को क्या किया है, सीमित किया है और वहां पर जो असीमित और निरंकुश शासन था उसे मर्यादित और लोकतांत्रिक रूप में संसदीय लोकतंत्र ने उसे स्थापित किया है। तो देखिए सैद्धांतिक रूप में राजा को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त हैं। राजा की स्थिति ऐसी है शक्तियों पर पूरा एकाधिकार है और राजा समाज और धर्म का संरक्षक माना जाता है। अगला है राजा की वास्तविक स्थिति। तो देखिए राजा की जो वास्तविक स्थिति है इसमें हम राजा की व्यवहारिक और उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं कि राजा की वास्तविक स्थिति किस प्रकार से है। सिद्धांत के रूप में वो उसे सर्वोच्च शक्तियां प्राप्त है, वो समाज और धर्म का रक्षक है, फिर उसे धार्मिक शक्तियां भी प्राप्त है। तो इसके साथ साथ राजा की वास्तविक जो शक्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि राजा राजपद में जो है वहां पर व्यवहारिक रूप में उसकी शक्तियों में कुछ परिवर्तन हुआ है समय के साथ साथ। जिस प्रकार से समय परिवर्तित होता गया उस प्रकार से राजा की शक्तियों में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम पहले पॉइंट को लेते हैं कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। राजा की वास्तविक स्थिति का पहला पॉइंट है राजा कोई गलती नहीं कर सकता। देखिए राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है और सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण उसके बारे में ये कहा जाता है कि राजा कोई भी गलती नहीं कर सकता, अर्थात राजा सर्वोच्च पदाधिकारी है, समाज और धर्म का संरक्षक है। इस आधार पर राजा के पास में विवेक है और इस कारण सर्वोच्च शक्ति से संपन्न होने के कारण उसके बारे में ये कहा जाता है कि वह कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता, कोई भी गलती नहीं कर सकता है। अगला है राजा राज्य करता है शासन नहीं करता। राजा राज्य करता है शासन नहीं करता, अर्थात ब्रिटेन में जो राजा का पद है वो नाममात्र की कार्यपालिका का परिचायक है, क्योंकि राजा नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है जबकि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। तो इस प्रकार से राजा राज्य करता है शासन नहीं करता, शासन प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि राजा नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण उसकी शक्तियां केवल नाममात्र की रह गई हैं, अर्थात उसके पद उसकी गरिमा के कारण उसे बहुत ही सम्माननीय और गौरवमयी स्थान प्राप्त है, लेकिन इसके साथ साथ वो केवल राज्य करता है शासन नहीं करता, केवल वो साइनिंग अथॉरिटी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो सम्राट है, जो राजा है, राजा का पद है वो राज्य करता है शासन नहीं करता, शासन प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के पास में नहीं होती है। तो देखिए राजा राज्य करता है शासन नहीं करता। अगला है राजा स्वर्णिम शून्य है। राजा जो है वह स्वर्णिम शून्य है। अर्थात स्वर्णिम शून्य का मतलब है कि उसका पद तो बहुत ही
गौरवमयी और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन गौरवमयी और महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उसके पास में वास्तव में व्यवहारिक रूप से कोई वास्तविक शक्तियों से प्राप्त नहीं है। इस कारण से राजा का पद स्वर्णिम शून्य की भांति, अर्थात उसे स्वर्ण की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ब्रिटिश संविधान में, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम उसकी वास्तविक स्थिति को, उसकी व्यवहारिक स्थिति को देखते हैं, तो हमें ये ज्ञात होता है कि वास्तव में उसकी शक्तियां केवल स्वर्णिम शून्य की भांति अर्थात जीरो है। व्यवहार में उसके पास में कोई शक्ति हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि व्यवहारिक रूप में उसकी शक्तियों का जो उपयोग करता है वो कौन करता है, वास्तविक कार्यपालिका करती है। इसलिए राजा की स्थिति क्या है, वो बिल्कुल स्वर्णिम शून्य की तरह है। अगला है राजा के विशेषाधिकार। राजा के विशेषाधिकार, तो देखिए राजा के विशेषाधिकार, कुछ राजा के पास में ऐसी शक्तियां हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि राजा के पास में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अर्थात उसे कुछ प्रिविलेज प्राप्त हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं कि राजा के पास में कुछ प्रिविलेज उसे प्राप्त हैं, और प्रिविलेज के पास में का मतलब ये होता है कि विशेषाधिकार, कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ये भी राजा का क्या है, विशेषाधिकार है। इसी प्रकार से संसद के सत्र का वो क्या करता है, आह्वान करता है, संसद के सत्र को बुलाता है और संसद के सत्र की वो अध्यक्षता भी करता है। इसके साथ साथ ही जब संसद का पहला सत्र होता है तो संसद के पहले सत्र में वो अपने अभिभाषण के द्वारा संसद के सत्र को संबोधित करता है। इस प्रकार से राजा के कुछ विशेषाधिकार राजा को प्राप्त है। मंत्रिमंडल को वो अभ्यस्त भी करता है, अर्थात मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल को अभ्यस्त करने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। किस प्रकार से राजा मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है और नियुक्त करने के साथ साथ उसे बर्खास्त करने का अधिकार भी उसको प्राप्त है। इस प्रकार से राजा के विशेषाधिकार के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से उसे विशेष अधिकार प्राप्त है। लोक सदन को भंग करने का अधिकार, पीयर जो होते हैं, पीयर बनाने का अधिकार, जो ये राजा के क्या है, विशेषाधिकार है जो राजा को अपनी विशेष स्थिति के कारण उसे प्राप्त है। तो इस प्रकार राजा के प्रिविलेज है, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो अगला हम देखते हैं राजा के जो है, किस प्रकार से राजा को प्रिविलेज प्राप्त है, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। अगला है राजा का प्रभाव तथा इसके कारण, कि राजा का जो प्रभाव है और इसके कारण क्या है। देखिए अगला है राजा का प्रभाव तथा उसके कारण। ब्रिटेन में राजा का महत्वपूर्ण पद है और राजा की महत्वपूर्ण पद और स्थिति प्राप्त होने के कारण उसका प्रभाव पूरे प्रशासन में पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। चाहे से हम उसे स्वर्णिम शून्य की तरह माने, लेकिन फिर भी राजा जो है उसका प्रभाव पूरे प्रशासन में हमें देखने को मिलता है। राजा का व्यक्तित्व, उसकी पद की महत्ता और राजा जो है किस प्रकार से, राजा को शासन करने का अधिकार नहीं है और उसकी जो स्थिति है संसदीय कार्यपालिका में, केवल राजा की नाममात्र की कार्यपालिका उसे कहा जाता है, नाममात्र कार्यपालिका के वह अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार राजा नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण उसकी व्यवहारिक स्थितियां हमें बिल्कुल शून्य की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी उसका पूरे प्रशासन में उसका प्रभाव रहता है। राजा का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और राजा राजनीतिक रूप से भी निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता का पूरी तरह से ध्यान रखता है। तो इस प्रकार
राजपथ की सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति में हमने इन पॉइंट्स को देखा और हम ये देखते हैं कि राजा का जो प्रभाव वह है वह ब्रिटिश संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजा की सैद्धांतिक स्थिति तो वहां पर बिल्कुल शून्य की तरह है, अर्थात सॉरी सिद्धांत में तो उसे शक्तियां प्राप्त, लेकिन व्यवहार में उसे शक्तियां बिल्कुल स्वर्णिम शून्य की तरह है। तो इस प्रकार राजा की जो हमने सैद्धांतिक तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन इन पॉइंट्स के आधार पर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत के रूप में तो राजा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसे जो है वह वहां पर उसकी स्थिति बिल्कुल स्वर्णिम शून्य की तरह है, अर्थात सिद्धांत में तो उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन जब व्यवहारिक स्थितियों का हम आकलन करते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा इन पॉइंट्स के आधार पर, तो व्यवहारिक स्थिति में उसे बिल्कुल शून्य की स्थिति प्राप्त है।